सो वेलकम टू विजुनेक्स अपडेट्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स को लेकर के, इस वीडियो में अंत तक बने रहे। बट उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 10K सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब है। सो हेल्प मी रीच 10K सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। एंड हाँ, इस वीडियो में एक दो पुरानी न्यूज़ हो सकती है, सो यार उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि ये वीडियो कल आनी थी बट मैं दोपहर को ही सो गया एंड मैं रात को ऑलमोस्ट 9 बजे उठा था, सो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। बट चलो यार कोई नहीं, जल्दी से बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। सो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है जोनाथन को लेकर के। सो जोनाथन ने रिएक्ट किया ऑन हिज कॉन्ट्रोवर्सी विद स्काउट एंड जोनाथन ने एक पबजी का हिंट भी दिया। सो दोनों चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रो स्काउट भी जूते ले रहा है, आपने लिया? अरे ऐसा नहीं है तो क्या दिक्कत। अभी स्काउट स्काउट मेरे में मतलब चिल है यार, अभी थोड़ा अभी आप वैसे कुछ समझ के मत चलेगी। स्काउट ये बोला, जॉनी ये बोला, ये अरे भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अगर अपने में ही लफड़े नहीं होंगे तो तुम लोग से लफड़ा करूं मैं, ठीक है वहां। अब बात कर लेते हैं चैनल के बारे में, WTH Jordan। सो इस चैनल में डेली बेसिस में लाइव स्ट्रीम्स होती रहती है जहाँ पे रॉयल पास एंड UC गिवअवेज डेली बेसिस में ही होते रहते हैं। इन भाई ने बोला कि जब इनके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जब ये 3 रॉयल पास का भी गिवअवेज भी करेंगे, सो इनको यार सब्सक्राइब कर दो एंड इनके 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, क्योंकि इनके जो गिवअवेज होते हैं पूरे लेजिट होते हैं। एंड आपको अगर गिवअवे में कैसे पार्ट लेना है वो नहीं पता, सो इन भाई ने ये वाली वीडियो में समझा दिया है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनके चैनल का लिंक और उस वाली वीडियो का लिंक दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो अगर आपको UC गिवअवेज एंड रॉयल पास गिवअवेज में पार्ट लेना है तो आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो जरूर। अब बात कर लेते हैं सेकंड न्यूज के बारे में। सो मावी ने भी रिएक्ट किया पबजी इंडिया बेस, वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। मैं गेम खेलना छोड़ने वाला था कि उसने एकदम से बंदे नॉक कर रहा है। शीरे वाह, देखो क्वेश्चन इतनी बेइज्जती तो नहीं सहन करता मैं। इनको पता था इनका धंधा बंद हुआ, लेकिन हमारा तो अभी भी चल रहा है कास्टिंग का, तो बोलेंगे हेटर होते हैं। हेटर कौन है? अगर क्या अगर गेम आ गया ना साले घटिया कास्टर, तेरे तो मेरी कास्टिंग क्या करेगा? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय अगर? टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अगर। अच्छा पक्का आएगा? अब जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, तो फिर क्या मैं गाड़ी निकलवा लूं? नहीं। सब बात कर लेते हैं मॉडल के बारे में। सो मॉडल को उनकी स्ट्रीम में पूछा गया था कि आप पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स और पबजी मोबाइल इंडिया के वापस आने के बाद आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी ई स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से। सो मॉडल ने बेसिकली उसका आंसर दिया और बोला कि आपको नहीं पता मैं ई स्पोर्ट्स कब का छोड़ चुका हूँ। सो इस स्टेटमेंट से हमें पता तो चल जाता है कि मॉडल ये बोल रहे कि वो ई स्पोर्ट्स में वापस नजर नहीं आने वाले हैं, मॉडल ई स्पोर्ट्स छोड़ चुके हैं। बट इससे मन में एक डाउट रह जाता है कि पबजी मोबाइल इंडिया की सोल की लाइनअप क्या होने वाली है, क्या हमें शायद स्काउट देखने को मिल सकते हैं उसमें, क्योंकि स्काउट का OR से लाइनअप टूट चुका है। OR से जो इनविटेशन था स्काउट का वो एक्सपायर हो चुका है और अभी हमें स्काउट SA Duel की जर्सी में भी दिखे थे। तो शायद हो सकता है ऐसा कि सोल की लाइनअप में स्काउट वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद एग्रेसिवनेस और ज्यादा आ जाएगी सोल की टीम में। अब बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल न्यू स्टेट के बारे में। सो पबजी मोबाइल न्यू स्टेट ने 10 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। एंड अगर सोचो इंडिया में आया होता तो 100 मिलियन बार बहुत ज्यादा, बट कोई नहीं यार, इंडियन भाई लोग भी एक दो महीने में खेल पाएंगे इस गेम को, क्योंकि यही पबजी न्यू स्टेट वालों ने ट्विटर में ट्वीट करके बताया कि लिमिटेड रीजियंस में 1 से 2 महीने में गेम अवेलेबल हो जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो आपको तो बताइए कि हम VPN लगा के ट्राई तो कर ही सकेंगे गेम को अगर कहीं भी मतलब लॉन्च हो जाता है गेम ऑफिशियली। सो देखते यार कैसा होता है गेम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट एंड साइनिंग आउट।